सब्सक्राइब करें टेक सर्वाइवल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के। हे व्हाट्सअप गाइस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके सामने कंपैरिजन करने वाला हूं Redmi Note 7 और Redmi Note 7 Pro के बारे में कि भाई इसमें मेजर जो भी स्पेसिफिकेशंस हमें देखने को मिले हैं। तो यहां पर आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि भाई हमें इसमें कौन कौन से चेंजेस देखने को मिले हैं, क्या हमें स्क्रीन बड़ी मिलेगी, क्या हमें जीपीयू या कुछ ऐसा जो कि हमें काफी मतलब अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला है। तो यहां पर क्या हमें कुछ नया देखने को मिलेगा इस फोन में, तो यहां पर आज मैं कंप्लीट इसके बारे में आज डिटेल के साथ बात करने वाला हूं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं Redmi Note 7 की फ्रेंड्स बात करूं तो यहाँ पर हमें IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि 6.3 इंच की है, और उसके मैं बॉडी रेशो के बारे में बात करूं तो यहाँ पर हमें 81.4 का देखने को मिलता है बॉडी रेशो। उसके साथ जो इसकी PPI डेंसिटी है वो है 409। तो यहाँ पर अगर मैं Redmi Note 7 Pro की बात करूं तो यहाँ पर भी हमें IPS जो डिस्प्ले है वो देखने को मिलती है, और 6.3 इंच की हमें देखने को मिलती है डिस्प्ले। और उसके साथ जो अगर बॉडी रेशो की अगर मैं आपके साथ बात करूं तो वहां पर भी हमें 81.4 बॉडी रेशो देखने को मिलता है, और उसके साथ जो अगर PPI डेंसिटी की बात करूं तो यहां पर हमें 409 की डेंसिटी देखने को मिलती है भाई। तो यहां पर फ्रेंड्स, अगर मैं आपके साथ चिपसेट की बात करूं तो फ्रेंड्स यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि यहां पर हमें स्नैपड्रैगन जो कि स्नैपड्रैगन हमें देखने को मिला था मतलब Redmi Note 7 में वो था 660 का, तो वो काफी मतलब बेहतर रहा है, मगर इतना बेहतर नहीं रहा जितना कि होना चाहिए था। तो यहां पर हमें देखने को मिला है इस फोन में स्नैपड्रैगन जो कि 675 है मतलब 675 है, और उसके साथ इसकी जो कमाल की बात मैं इसके आपको बताऊं तो यहां पर हमें वो जो स्नैपड्रैगन था वो था 14 नैनोमीटर का, यहां पर जो हमें स्नैपड्रैगन देखने को मिला है वो है 11 नैनोमीटर का। मतलब कि जो बैटरी की एफिशिएंसी है वो उसमें काफी तब्दीली आने वाली है, जो कि बैटरी जहां पर हमारे 3 घंटे चलती थी वहां पर हमारी हम 5 घंटे बैटरी चलने वाली है, मतलब के काफी मेजर चेंजेस इसमें आने वाले हैं। तो ये तो भाई बात होगी इसकी। अगर मैं आपके साथ इसके डिस्प्ले के बारे में बात करूं या इसके डिजाइन के बारे में बात करूं तो फ्रेंड्स यहां पर कुछ हमें बाहर की तरफ कुछ मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, सेम टू सेम वही फोन देखने को मिलेगा जो कि हमारा Redmi Note 7 था। और अगर मैं इसके डिस्प्ले के बारे में फ्रेंड्स आपके साथ बात करूं प्रोटेक्शन के बारे में तो फ्रेंड्स यहां पर भी हमें प्रोटेक्शन के लिए कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 देखने को मिला, तो यहां पर भी हमें कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 देखने को मिलेगा जो कि अपने आप में काफी अच्छा है। मतलब यहां पर कभी ट्रेन के पीछे छोड़ा जा रहा है, कभी उसके जहाज के नीचे छोड़ा जा रहा है, कभी कहां मगर वो टूट नहीं रहा है। तो यहां पर फ्रेंड्स अगर मेरा तो यार हमेशा टूट गया तो मैं क्या करूं उसका, मुझे कुछ बताइएगा। तो उसके बाद फ्रेंड्स ये कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास ये भी काफी बेस्ट रहने वाला है हमारे लिए। और अगर मैं आपके साथ फ्रेंड्स इसके ऑक्टा सीपीयू के बारे में बात करूं तो फ्रेंड्स यहां पर हमें ऑक्टा कोर में मतलब काफी अच्छा एक्सपेंसिव देखने को मिलता है जो कि Redmi Note 7 Pro में है। यहां पर हमें 2 कोर्स देखने को मिलते हैं जो कि 2.0 GHz पर है जो कि कैरियर 460 है, और इसकी कंपैरिजन मैं आपको बताता हूं। और उसके बाद अगर मैं आपको दूसरे जो कोर्स है मतलब जो कि 6 और कोर्स है वो है 1.7 GHz पर जो कि कैरियो 460 है। तो यहां पर ये हमारे लिए काफी अच्छा बदल के लेकर आना है। जो हमारे छोटे कोर्स है मतलब 6 कोर्स है वो हमारे लिए बैटरी का काम करते हैं, जो बड़े हैं वो हमारे फोन की एफिशिएंसी मतलब अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए वो काम में आते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स अगर मैं आपके साथ Redmi Note 7 के सीपीयू के बारे में अगर इसके साथ कंपैरिजन करूं तो यहां पर हमें देखने को मिला था मतलब उसमें भी हमें 8 कोर्स देखने को मिले जो कि 4 कोर्स जो थे वो थे 2.2 GHz पर जो कि कैरियर 260 पर थे, और यहां पर हमें 460 देखने को मिलता है, तो मतलब 200 का फासला है, काफी मतलब बेस्ट रहने वाला है। और वहां पर हमें 2 कोर्स देखने को मिलते हैं जो 2.0 पर थे, और यहां पर हमें 4 कोर्स देखने को मिले जो कि 2.2 GHz पर है। और यहां पर फ्रेंड्स अगर मैं आपके साथ बात करूं जो बाकी कोर्स है वो है हमें 4 कोर्स देखने को मिलते हैं, वहां पर हमें 6 देखने को मिले थे, यहां पर हमें 4 देखने को मिलते हैं। तो यहां पर वो जो 4 कोर्स है वो है 1.8 GHz जो कि कैरियर 260 है। तो यहां पर मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा हमारे लिए जो प्रो है वो बेस्ट रहने वाला है, अगर तो आप थोड़ा वेट करते हैं तो आपको एक अच्छी मतलब एक अच्छा डिजाइन आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं आपके साथ जीपीयू के बारे में फ्रेंड्स यहां पर बात करूं, जीपीयू में भी मतलब काफी अच्छा एक तरह से चेंजेस लाया गया है। जहां पर एड्रीनो जो हमें देखने को मिलता है मतलब के Redmi Note 7 में वहां पर हमें 512 का एड्रीनो देखने को मिलता है, और अगर मैं इस फोन की बात करूं आपके साथ तो यहां पर हमें 612 का एड्रीनो देखने को मिलता है। मतलब के काफी अच्छा मतलब चेंजेस मेजर चेंजेस लाया गया है इस फोन में। तो दैट की बात है प्रो है तो कुछ तो प्रो इसमें होना ही चाहिए। उसके बाद अगर मैं फ्रेंड्स आपका कैमरा के बारे में बात करूं तो जो कि हमें कैमरा Redmi Note 7 में देखने को मिला जो कि 48 मेगापिक्सल था, और उसका एफ जो था वो था 1.8, और उसका जो इसका सेकेंडरी कैमरा था वो था 5 मेगापिक्सल, जिसका तो अब एफ था जो कि 2.4 एपर्चर था, उसके बाद डीप सेंसर है उसका। तो यहां पर फ्रेंड्स अगर मैं आपके साथ Redmi Note 7 Pro की बात करूं तो फ्रेंड्स यहां पर भी हमें कोई मेजर चेंजेस नहीं देखने को मिले, यहां पर हमें 48 मेगापिक्सल ही देखने को मिला है। हो सकता है इसका जो सेंसर है मतलब 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर वो कुछ हमें वो हमें चेंज देखने को मिले, जैसे कि हमें पहले GMI का देखने को मिला था सैमसंग का, तो यहां पर हमें कुछ और देखने को मिल सकता है। तो अगर इसके एफ के बारे में बात करूं तो यहां पर 1.8 का एपर्चर देखने को मिलता है, 5 मेगापिक्सल हमें कैमरा देखने को मिलता है,
जो कि सेकेंडरी है, और यहाँ पर हमें उसका भी F2.4 देखने को मिलता है डिप सेंसर, तो यहाँ पर भी मतलब कुछ चेंजेस ज्यादा नहीं लाए गए। यहाँ हो सकता है कि बस सिर्फ हमारे लिए एक जो मतलब सेंसर है उसका ही चेंजेस लाए गए हैं। और अगर मैं आपके साथ फ्रंट कैमरा की बात करूं तो यहाँ पर हमें 13 मेगापिक्सल देखने को मिल रहा था जो कि Redmi Note 7 में था, और उसके साथ अगर हम उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह करते थे वहां पर था 1080 30 FPS, तो यहाँ पर भी हमें कुछ यही देखने को मिलेगा, हमें कोई भी इसमें मेजर चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। और अगर फ्रेंड्स यहाँ पर मैं डिस्प्ले के बारे में आपको मजीद बताता चाहूँ तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें वाटर ड्रॉप नॉच जो कि हमें कहते हैं वाटर ड्रॉप नॉच, और यहाँ पर जो कंपनी है वो वी इन्फिनिटी नॉच कहती है उसे, तो यहाँ पर हमें सेम ही देखने को मिलेगा, कोई भी मेजर चेंजेस यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। और अगर फ्रेंड्स मैं आपको इसके यूएसबी चार्जिंग के बारे में बताता चाहूँ तो यहाँ पर हमें 2.0 का टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है जो कि 1.0 है, तो यहाँ पर हमें Redmi Note 7 में भी यही देखने को मिलता है और Redmi Note 7 Pro में भी यही देखने को मिलेगा। और अगर मैं फ्रेंड्स आपके साथ बैटरी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर 4000 mAh बैटरी देखने को मिलती है जो कि हमें पिछले फोन में ही मतलब देखने को मिली थी, तो यहाँ पर हमारे लिए फास्ट चार्जिंग देखने को मिले जो कि 18 वाट का है, क्विक चार्जिंग 4 है, तो यहाँ पर हमें क्विक चार्जिंग 4 के बारे में चार्ज 4 हमें सब कुछ सेम ही देखने को मिला है। तो यहाँ पर भाई अगर आपको अच्छी बैटरी चाहिए या एक एक्सपेंसिव बैटरी चाहिए तो यहाँ पर आप इसे चूज कर सकते हैं, यहाँ पर मतलब काफी अच्छा रहने वाला है ये फोन, क्योंकि दैट्स व्हाई Redmi Note 7 है, तो Redmi Note 7 Pro तो कुछ प्रो ही होगा। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अगर आपके साथ इसके ब्रांड्स के बारे में बात करूँ तो हमें ये 64GB में भी मिल सकता है, उसके साथ 256 में भी मिल सकता है, और उसके साथ हमें 32 में भी मिल सकता है। तो यहाँ पर रैम की बात करूँ तो यहाँ पर हमें 6GB 4GB और उसका 3GB रैम, इन रैम्स में हमें मिल सकता है, डिफरेंट ब्रांड से आप जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं, मगर अभी तक ये इंडिया में लॉन्च नहीं होते, आने वाले वक्त में ये बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, शायद भाई बहुत जल्द लॉन्च हो जाए, अभी तो आई थिंक Redmi Note 7 आई थिंक लॉन्च हो गया या नहीं, तो यहाँ पर मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स यही थी जितने भी मतलब कंपैरिजन था आज मैंने आपके सामने शो किया है, तो उम्मीद अगर आप तो भाई Redmi Note 7 लेना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप Redmi Note 7 को थोड़ा सा वेट कर लीजिए, Redmi Note 7 Pro ले लीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा आने वाले वक्त में, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं जो कि थोड़े से ही हैं, मतलब एक तरह से इसके जो मतलब सिस्टम में देखने को मिले जो कि इसकी परफॉर्मेंस है उसमें भी कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं, डिजाइन वगैरह वही सेम है, कैमरा वगैरह वही सेम है, सब कुछ वही सेम है, बस हमें एक तरह से मतलब एक अपग्रेड सिस्टम हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर अगर मैं आप ये चाहते हैं कि भाई हमें इसमें 8.1 ओरियो या कुछ ऐसा देखने को मिलेगा तो यहाँ पर मैं आपका मतलब जो डाउट है वो क्लियर करते चलूँ, हमें यहाँ पर एंड्रॉइड 9.0 देखने को मिलेगा जो कि MIUI 10 की बेस पर होगा। तो यहाँ पर यही कंपैरिजन था जो मैंने आपके सामने शो किया है। तो फ्रेंड्स मेरा रिकमेंडेड ये है कि आप Redmi Note 7 Pro को लीजिए आने वाले वक्त में, अगर तो आप Redmi Note 7 को लेना चाहते हैं, तो अगर तो आप कोई और फोन लेना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं आप ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को तो जरूर लाइक कीजिएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रुझान जैसे मैं आपकी कंपैरिजन वगैरह वाले आपके लिए वीडियो लेकर आऊं तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज।
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और उसके साथ अगर आपको कुछ सुझाव है तो वो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।